और इस वक्त भोपाल से खबर, जहां पर तीन जगहों पर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है, ये संकेत मिल रहे हैं। भोपाल, इंदौर, खरगोन में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम शिवराज आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बैठकें करने वाले हैं और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तीन जगहों पर, जिसमें भोपाल, इंदौर, खरगोन शामिल है, लॉकडाउन की मियाद आगे बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि ये तीन जगहें इस वक्त रेड हॉटस्पॉट जोन में हैं और इस वजह से संभावना ये कि इन जगहों पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज कई मैराथन बैठकें हैं जिसमें 10:55 पर भी एक बैठक सीएम शिवराज लेने वाले हैं, 3 बजे एक और बैठक, शाम 4 बजे टास्क फोर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान बातचीत करेंगे, तो वहीं शाम 6 बजे प्रदेश के लोगों से फेसबुक के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रूबरू होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा के दौरान इसके संकेत दिए हैं और संकेत इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहां पर कोरोना को काबू में करना है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन की मियाद अगर आगे बढ़ती है तो इस पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी और यही एक वो महत्वपूर्ण संकेत है जिसकी वजह से ये कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं कि इन तीन जिलों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। भोपाल, इंदौर और खरगोन, भोपाल में इस वक्त 284 मामले हैं, इंदौर की बात करें तो वहां पर भी 900 के पार मरीजों का आंकड़ा है, तो वहीं खरगोन में भी इस वक्त जो मरीजों की संख्या है वो 30 के पार है और ऐसे में इन जिलों में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जो चर्चा है वो जोर पकड़ती नजर आ रही है। सीधे हम इंदौर का रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, इंदौर को लेकर तो स्थिति चिंताजनक बनी ही हुई है और अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है और ये काफी मदद भी करेगा अगर संक्रमण पर रोक लगानी है तो। क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या इसको लेकर कोई संकेत वहां किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से, किसी बड़े अफसर की तरफ से दिए गए? देखिए बिल्कुल रूमिता, जिस तरीके से ना सिर्फ इंदौर बल्कि राजधानी भोपाल में भी जो आंकड़े लगातार पॉजिटिव केसेस यहां पर बढ़ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को चिंता में डाल दिया और यही वजह है कि अब तमाम बिंदुओं पर मंथन हो रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो नई कैबिनेट का गठन हुआ है उसमें तमाम जो जिम्मेदार मंत्री शामिल हैं वे भी इन बिंदुओं पर मंथन कर रहे हैं। लिहाजा हम लोग इंदौर की बात करें तो यहाँ पर 26 नए मरीजों के साथ ही आंकड़ा 945 पहुंच गया है जो काफ़ी चिंताजनक यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में आज 11 बजे यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जो मंत्री हैं उनसे रूबरू होंगे, अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं उनसे वे रूबरू होंगे, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे उनकी चर्चा होगी और इस दौरान इसी जो है वो तरह का कोई संकेत यहाँ पर ठोस निर्णय लिया जा सकता है जिससे कहीं ना कहीं इस संक्रमण को काबू करने में मदद मिल सके। बता दें कि जिस तरीके से इंदौर में 900 के पार जो आंकड़ा पहुंचा उसके बाद लगातार प्रशासन के सामने यही चुनौती है कि आखिर इन आंकड़ों पर ब्रेक कैसे लगाया जा सके और अब जब यहाँ पर 3 मई को जब लॉकडाउन की अवधि पूरी होगी, सेकेंड फेज यहाँ पर पूरा होगा, उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं उससे पहले ही यहाँ पर ये कदम राज्य शासन उठाएगा कि जो ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे जिलों में यहाँ पर जो है वो लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस दौरान हम लोग बता दें कि कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं, चाहे मेडिकल हो या फिर राशन हो, इनके लिए कुछ सरकार छूट का प्रबंध जरूर कर सकती है क्योंकि राशन की व्यवस्था को लेकर लंबे समय से सवाल भी उठ रहे हैं और लोग भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, तो ये एक बड़े संकेत है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ही इस पर फैसला लेंगे, साथ ही यहाँ पर केंद्र सरकार से भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है और उसके बाद में ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। दूसरी तरफ आज हम लोग इंदौर की बात करें रूमिता, तो यहाँ पर जो है आज जो प्रभारी हैं तुलसी सिलावट जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वे यहाँ पर सीधे तौर पर आज प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेंगे और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं उसके बाद में अब ठोस कदम बढ़ाने की जरूरत है और आज पूरे समन्वय के साथ में इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और ये निर्णय लिए जाएंगे कि आखिर कैसे संक्रमित क्षेत्रों में खासतौर पर मुस्तैदी बढ़ाई जाए और कैसे इन आंकड़ों पर काबू पाया जाए। तो आज ये बैठक काफी अहम है और इस बैठक के बाद में कई अहम निर्णय भी होंगे रूमिता।
बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बैठकें आज जिसको लेकर सभी की नजरें होंगी क्योंकि इंदौर इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। और इस बीच एक और खबर से आपको अपडेट करा देते हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसमें इसकी पुष्टि हुई है। हमारे साथ पीयूष जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे हम और अपडेट्स के लिए। पीयूष, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम दूसरे राज्यों को देखें जहां पर तेजी से शुरू में मामले सामने आए थे, चाहे मैं केरल के कासरगोड की बात करूं या भिलवाड़ा की बात करूं, भिलवाड़ा मॉडल को अप्लाई भी किया गया इंदौर में, कल ही 1800 टीमें अब सर्वे का स्क्रीनिंग का काम करेंगी, तो अब हम ये माने कि अगर मरीजों की संख्या में इजाफा होता भी है स्क्रीनिंग के दौरान, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो उसी तेजी से उसे कंट्रोल करने पर भी इंदौर में काम शुरू होगा इन मॉडल्स को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर भी शुरू में संक्रमण के मामले बहुत सामने आए थे, लेकिन अब ये तमाम राज्य के जो जिले हैं वो उस लिस्ट से बाहर हैं जहाँ पर संक्रमण के मामले थे। देखिए बिल्कुल, जिन जिलों में तेजी से शुरुआती दौर में आंकड़े सामने आए उन्होंने बहुत तेजी से कवर अप भी किया है। भिलवाड़ा मॉडल पूरे देश में चर्चाओं में है, जहां पर अगर हम लोग बात करें तो आज की दिनांक में कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं है, तमाम मरीज यहां पर ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो ये एक बड़ी यहाँ पर कहीं ना कह सकते हैं कि मॉडल रहा है जिसे पूरे देश भर में लागू करने की बात भी कही जा रही है। और इंदौर के हम लोग बात करें तो 900 से ज्यादा आंकड़े फिलहाल हो चुके हैं जो लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। हम लोग बता दें कि जो प्रशासन ने, स्वास्थ्य महकमे ने एक लिस्ट बनाई है, एक उसके अनुसार 20 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 5 से ज्यादा मरीज मिले हैं और इन क्षेत्रों में खास तौर पर अलग अलग टीमें तैनात की गई है। लगातार सर्वे का काम तेज कर दिया गया है और ना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि अब सर्वे के लिए नगर निगम की टीम को भी मैदान में उतारा गया है, जिससे कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो मरीज हैं वो आइडेंटिफाई होंगे और उन्हें आइसोलेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव खबर हम लोग कह सकते हैं रोमिता इन तमाम बिंदुओं के बीच में कि जो नए मरीज आ रहे हैं उनमें से अधिकतर मरीज पहले से ही जो है वो आइसोलेशन सेंटर्स में मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ पर प्रशासन के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 अस्पतालों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है जिससे इन मरीजों का उपचार सही समय पर हो पाए, जिससे ये लोग समय पर ठीक होकर अपने घर लौट सकें। लगातार जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या में भी रोमिता इजाफा हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में अगर मरीजों की संख्या और बढ़ती है तो उनके लिए कैसे संसाधन यहाँ पर जुटाए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो भिलवाड़ा मॉडल जिसकी देश भर में इस वक्त चर्चा हो रही है, साथ ही केरल का कासरगोड जो है वहां पर शुरू में काफी संख्या में संक्रमित लोग सामने आए थे, लेकिन यहां पर जिस तरह से कंट्रोल किया गया उसी को देखते हुए इसी मॉडल को किस तरह से इंदौर में लागू करके संक्रमण पर रोक लगाई जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस वक्त खबर राजधानी भोपाल से है जहां पर राजधानी में 12 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। संक्रमित मरीजों के आसपास का 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसे कंटेनमेंट घोषित किया गया है। यहां पर किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। 12 ऐसे क्षेत्र हैं, 12 ऐसे इलाके हैं जो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं। यहां पर किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। तो राजधानी भोपाल में भी लगातार इजाफा हो रहा है संक्रमित मरीजों की संख्या में, 284 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और अब प्रशासन पूरी मुस्तैदी से संक्रमण को रोकने के लिए नजर आ रहा है। जगह जगह पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, चेकिंग हो रही है, बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और इस बीच कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है ताकि ऐसे इलाके जहां पर संक्रमित मरीज पाए गए हैं उस एरिया में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। जबलपुर भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर चर्चा में इसलिए है क्योंकि लगातार यहां पर संख्या में इजाफा हो रहा है। 2 पॉजिटिव मरीज मिले जिसके बाद यहां पर आंकड़ा 31 हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी और जब उसके परिवार का मेडिकल चेकअप किया गया है तो एक मरीज यहां पर कोरोना संक्रमित पाया गया है। ICMR लैब में जांच के लिए 64 सैंपल भेजे गए थे जिसमें से 2 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।
भोपाल इंदौर के साथ साथ खरगोन भी हॉटस्पॉट में शामिल हो गया है। एक बार फिर से यहां पर नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आंकड़ा 51 हो गया है। 3 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें 2 युवक और 1 युवती शामिल है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि खरगोन में 7 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर घरों को भी लौटे हैं। अब तक 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान भी जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त 1600 के करीब मरीजों का आंकड़ा है। अब तक 80 मरीजों की जान भी इस जानलेवा वायरस की वजह से जा चुकी है, तो वहीं 201 मरीज ठीक होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। भोपाल इंदौर इस वक्त हॉटस्पॉट जोन में है, जहां पर लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। भोपाल में मरीजों का आंकड़ा 280 के पार पहुंच गया है, 8 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। तो वहीं इंदौर में इस वक्त 945 लोग संक्रमित हैं और 53 लोगों की जान भी गई है। दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर कोरोना को लेकर आज AICC की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कोरोना संबंधित मामलों पर चर्चा की जाएगी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की आज बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस नेता जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में हिस्सा लेंगे। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी फोनलाइन पर जुड़ गए। मोहन, आज AICC की बैठक कोरोना को लेकर क्या अपडेट्स हैं, क्या महत्वपूर्ण चर्चा के बिंदु हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से? देखिए, AICC लगातार उन राज्यों की समीक्षा कर रही है जहां पर उनके शासित हैं या उनके मुख्यमंत्री हैं। हालांकि AICC के में आज जितने सदस्य हैं वो सारे के जिसमें मंत्री भूपेश बघेल भी जुड़ेंगे, कोशिश ये होगी AICC की एक समीक्षा की जाए और ऐसे सुझाव आए जिनके आधार पर केंद्र सरकार से मांग की जाए कि कोरोना वायरस से किस ढंग से लड़ना है, उसी को लेकर ये बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का जो पक्ष, वो कोशिश ये होगी कि सारी जानकारियां दी जाए कि सरकार क्या है, और जो महत्वपूर्ण 2 मांगे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की है उसकी उसको भी लेकर AICC में डिस्कशन होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दुनिया भर में इस वक्त कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 26 लाख से ज्यादा हो चुका है, तो वहीं 1,84,000 से ज्यादा लोगों की जान इस महामारी के कारण चली गई है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। तेजी से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं अमेरिका में स्थिति काफी भयानक है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति अमेरिका में देखने के लिए मिल रही है। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या 8 लाख के पार है। कोरोना अमेरिका में 47,000 से ज्यादा जाने ले चुका है। अमेरिका का न्यूयॉर्क राज्य इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। तो वहीं न्यूयॉर्क में कोरोना के कारण 20,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। स्पेन, इटली, फ्रांस और अन्य देशों की स्थिति भी इस वक्त सबसे ज्यादा भयानक बनी हुई है, जिसमें जर्मनी, टर्की, ईरान और UK शामिल है। और जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लॉकडाउन की स्थिति जिस तरह से है, उसको लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल की सुबह सभी CMs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। इस वक्त देश लॉकडाउन फेज 2 में है, जिसकी मियाद 3 मई तक है, और उससे पहले 27 अप्रैल को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लेंगे कोरोना वायरस को लेकर। केंद्र सरकार राज्यों से मिली फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करेगी। 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था, और इससे पहले PM मोदी ने 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी, और इसी बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की सहमति दी थी। अब 27 अप्रैल को होने वाली जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये सवाल बनता है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर
कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 3 मई को इसकी मियाद खत्म हो रही है और लॉकडाउन फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर 40 दिनों के लॉकडाउन की अवधि 3 मई को पूरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों पर हमले की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। श्योपुर जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कोरोना संदिग्ध की स्क्रीनिंग के लिए गए डॉक्टर्स और पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। गसवानी में रहने वाले गोपाल गुना से अपने पिता गंगाराम के पास आया था। पड़ोसियों ने पंचायत को गोपाल के पहुंचने की सूचना दी, जिसके बाद स्वास्थ्य और पुलिस की टीम उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए पहुंची, लेकिन परिजनों ने टीम पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने गंगाराम और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गोपाल भागने में कामयाब रहा है। थाना क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर पुलिस की टीम पे पत्थर फेंका गया है। हुआ इस प्रकार था कि वहां गसवानी थाना क्षेत्र में गंगाराम शिवहरे के घर में ये जानकारी मिली कि एक उनका पुत्र है जो बाहर से आया है। जब हेल्थ की टीम वहां पे पहुंची, सहायक सचिव भी साथ में थे, तो उन लोगों ने उनके द्वारा बदसलूकी की और उनको वापस कर दिया। पुलिस की टीम के साथ वो लोग दोबारा वहाँ पर गए, जहाँ वह पत्थर फेंकने की भी घटना हुई। उस पत्थर से हमारे SI को चोट आई सिर में। ऐसे संकट के समय में जब स्वास्थ्य की टीम, पुलिस की टीम लोगों की सुरक्षा के लिए गांव-गांव घर-घर जाके चेकिंग कर रहे हैं, ताकि कोई कोरोना का मरीज ना आए और कोरोना के विस्तार को रोका जा सके, ऐसी स्थिति में अगर कोई विरोध करता है और बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको विरुद्ध ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे कोई ऐसा ना कर सके। भोपाल से खबर है, जहां पर श्योपुर की इस घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चोटिल डॉक्टर और ASI से फोन पर बातचीत की और ये भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। ज्यादा दिल पर नहीं लेना है, कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं ये इस तरह के। सरकार पूरी साथ में है आपके, आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप इसी नंबर पर तत्काल 24 घंटे में कभी भी बात करना है ना। बिल्कुल, आप सब लोगों का जिस तरह से सेवा भाव है, काफ़ी मान ऊपर आया है, अपन को इसी सेवा भाव से लगाना पड़ना। ये राष्ट्रीय संकट है, वैश्विक संकट है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ना है। छोटी मोटी चीज़ों से विचलित नहीं होना है डॉक्टर साहब, है ना। सब साथ में है, बिल्कुल जी, सब साथ में है, बिल्कुल जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल मनोबल बढ़ाएंगे आपका, कैसी बात कर रहे हैं आप। मनोबल को कमजोर करना ही मत ही, यही कुछ क्षण और परीक्षाओं की घड़ियां तो होती हैं। थैंक यू। चलिए अब बात को सियासी खबरों की करते हैं। भोपाल में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन के साथ ही ये प्रमाणित हो गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार दबाव में काम कर रही है। ऐसे दबाव में काम करने वाली सरकार कभी प्रदेश की जनता का भला नहीं कर सकती है और ये सरकार जल्द ही अपने ही बोझ से गिर जाएगी। प्रमाणित हो गया है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार पूरी तरह दबाव में काम कर रही है। पहले 1 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बनाया गया, उसके बाद जब मंत्रिमंडल बनाया गया तो 5 मंत्रियों को मंत्रालय ना देकर 2-2 संभाग बांट दिए गए, जो कि किसी भी तरह से किसी भी राज्य में व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जब संबंधित मंत्रियों द्वारा दबाव बनाया गया तो उनको विभाग दिए गए। फिर जब विभागों में भी मंत्री असंतुष्ट हुए और उनके आका असंतुष्ट हुए तो उन्होंने दबाव बनाया, तो मंत्रियों को अन्य विभाग देने की तैयारी हो रही है। यह सरकार केवल और केवल जोड़ तोड़ करके बनी है। ऐसी सरकार कभी प्रदेश की जनता के हित में काम नहीं कर सकती है। यह अपने ही दबाव में एक दिन गिर जाएगी और प्रदेश की जनता को ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।